हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अब मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज से मैंने व्लॉग बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और आज है सकट चौथ, उसका हमने व्रत रखा हुआ है। अभी हम पूजा करके आए हैं छत पे, मैं वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो चलिए मिलती हूँ आपको। हम आज क्या क्या बना रहे हैं खाने में, मीनाक्षी और मैं। मीनाक्षी आई हुई है, उसी दिन आ गई, अगले दिन आ गई थी वो, बुधवार को। वही सारा काम हम देख रही है। तो चलिए अब मैं ठीक हूँ, आज मिलके बनाएंगे खाना। हाय, हैप्पी सकट हैप्पी सकट चौथ। चौथ। क्या क्या बनाएंगे आज? पूरी, कचौरी, आलू गोभी मटर कचौरियाँ हम बनाएंगे, पूरी बनाएंगे और मक्का की कचौरी बनाएंगे, आपको ज़रूर दिखाएंगे। तिलकुट बनाएंगे, रायता बनाएंगे, ये सब बनता है, पूड़े भी बनेंगे। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं हम किस किस तरह से बनाएंगे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो खाना बन रहा है, मीनाक्षी बना रही है सब्जी आलू गोभी मटर की। मैं सिर्फ तिल भून रही हूँ, खाना यही बनाएगी, हेल्प कर रही हूँ मैं तो बस। चलो बना लो। शक्कर वाले तिल भी बनाऊंगी और बूरा वाले भी बनाऊंगी। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरे लिए इतनी सारी प्रे करी और मैं जल्दी से ठीक हो गई। टूट गया है हमारा, मैंने आज से ब्लॉगिंग शुरू करी है। मुदित है मेरा भतीजा, और क्या रहा है मीनाक्षी डालने के लिए? इसमें अभी नमक मिर्च भी देख लेना ठीक से, डाले नहीं अभी? डाल दिए, नमक भी डाला है। अच्छा, बस धनिया पाउडर डालना था। आगे धनिया पाउडर डलेगा। और जी धनिया पाउडर डलेगा, उसी ने बनाई है ना सब्जी, इसलिए मुझे पता नहीं उसने क्या क्या डाला है अभी। अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, भगवान की दुआ से, आप सबकी दुआ से। मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है, सभी फैमिली में बहुत ध्यान रखते हैं सब, एक दूसरे का मिलजुल कर रहते हैं सब हम लोग। आपको
अपनी पूरी फैमिली से मैं किसी दिन मिलाऊंगी। ये देखिए सब्जी मैंने चला दी है, अब इसको ढक देती हूँ। तिल भी भून चुके हैं, सो गया दोबारा? नहीं सोया अभी, सुला रही हूं। अच्छा, बीच बीच में उठ जाता है वो, जब सोता रहता है तभी काम हो पाता है। अभी वो छोटा है, 2 साल का कंप्लीट हो चुका है, 3री में लग गया है वो। उसी के बर्थडे पर मैं घर गई थी, जब मैंने बर्थडे व्लॉग डाला था मेरे भाई का और भतीजे का बर्थडे, हमने एक साथ सेलिब्रेट किया था वो। और सकट चौथ पे आपके यहाँ क्या क्या बनता है मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये देखिए तिल हो चुके हैं हमारे, इतनी दूर से तो नहीं दिखेंगे। चलिए मैं गैस बंद कर लेती हूँ। मूंगफली भी डालूंगी मैं तिल में, बहुत टेस्टी लगती है। आप लोगों को मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है जरूर बताना। ये कॉटन का सूट है, इसके नीचे क्रीम कलर का पजामा है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी पूरा थोड़ी देर में। ये देखो मैं तिल मैंने ले लिए हैं, इनको मैं हल्का सा दरदरा कर लूंगी, हल्का सा दरदरा कर लेती हूँ मैं इनको। ये देखिए तिल को मैंने हल्का दरदरा कर लिया है, इतना दरदरा करके इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने इसमें आटे में भी ना, कूड़े के आटे में भी तिल डाले, सब चीज़ में तिल डलते हैं आज के दिन। ये देखिए मैं मूँगफली को भी हल्का सा सेक लेती हूँ। ये मूँगफलियाँ थोड़ी ही डालूंगी, ज्यादा नहीं। बस मैं मैं इनको भी भून लेती हूँ। ये किस चीज में मिक्स करेंगे? दो डोंगू हो गए क्या? ये शक्कर वाले और नहीं हो जाएंगे ना? नहीं, एक शक्कर वाले, इस बुरा वाले में मिलाने। बुरा वाले में तो मूंगफली डाल लेंगे, पर हाँ दो जगह होंगे ना ये। ये मूंगफली पिलक हुए से आई है, मम्मी लाई थी। देखिए मूंगफली भी रोस्ट हो चुकी है, ज्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ हमें करारी करनी थी। चलिए मूंगफली को कूट लेती हूँ, ग्राइंडर में नहीं करूंगी, ज्यादा पिस जाएगी। तो ये देखिए तिल मैंने कर लिए हैं, इसमें ठंडे होने के लिए रख दिए हैं, थोड़े गर्म से एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ। चॉपर में मूंगफलियाँ थोड़ी सी देरी कर रही हूँ मैं, देखते हैं एक्सपेरिमेंट फेल होता है सक्सेसफुल। वैसे तो हो जानी चाहिए,
इसमें तो तुम तिल भी कर सकती थी, तिल में तो टाइम लगता। ये देखिए एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है, आई एम सो हैप्पी। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और कर लूँ क्या, बहुत इतना है, एक दो रह गया। अब भी ऐसे ही नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहिए। तो ये देखिए मैंने इसमें तिल को मैंने दो जगह कर लिया है, ये शक्कर वाले बनाऊंगी, ये बूरा वाले। इसमें मैंने मूंगफली भी मिला ली है, मैं इसमें शक्कर मिला लेती हूँ। देखो पहले छन जाएगी या नहीं, छन तो जा रही है, छान के डालूंगी। बस इसमें बुरा मिला दूंगी, ये बनके रेडी है बिल्कुल। तो ये देखिए रेडी हो चुका है, अभी मीनाक्षी भी कैमरा गिर देती। तो ये देखिए रेडी हो चुका है बिल्कुल, बहुत टेस्टी लगता है। चलिए इसको साइड में रख देते हैं। अभी मिन्ना कैमरा को तोड़ फोड़ देती, हाँ इसको खुद का फोन टूटा हुआ है, तो ये कह रही है मैं दीदी का फोन भी तोड़ूंगी। इसमें मैं शक्कर मिलाऊंगी, ये शक्कर है, शक्कर वाले भी अच्छे लगते हैं। ये देखिए ये भी बन करके तैयार है बिल्कुल। ये देखिए तिल और शक्कर वाले भी बन गए हैं। दो तरह के मैं बनाती हूँ, ये वाले मम्मी खाती हैं, मम्मी को शुगर है ना, मम्मी बूरा वाले नहीं खाती। चलिए बनाते हैं और कुछ फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए सब्जी अब बन चुकी है, हमने आलू रख दिए हैं उबलने के लिए, आटा मंड दिया है दोनों चीज़ का, कचौरी का भी मंड दिया है, सॉरी वो कचौरी का मांडा है, ये पूरी वाला मांडा है, ये टाइट है, वो थोड़ा हमने लूज करा है आटा तैयार। अब आलू उबल जाएंगे फिर हम कचौड़ी बनाएंगे, अभी तो पूड़े बना रहे हैं, मीनाक्षी बनाएगी पूड़े, मैंने आटा मांड दिया, मीनाक्षी करा रहे हैं। और मुझे सांस भी चढ़ जाता है। हाँ चल हो गया, ये तो कैमरा ये भी दोबारा वो करने की जरूरत नहीं है, एक बार नहीं चलेगा, ढक दो बस। ये देखिए यहाँ मैं बना रही हूँ मक्का के, मैं इसका आटा मांड रही हूँ, ये मैं मक्का की पूरियाँ बनाऊंगी। मक्के का आटा है, इसमें मैंने जीरा, लाल मिर्च, हींग और थोड़े से तिल डाले हैं, क्योंकि तिल सभी चीज़ में डलते हैं, शगुन है, नमक, मिर्च, जीरा और थोड़ा सा मैंने इसमें सूखा धनिया डाला है।
और इसमें मैंने थोड़े से तिल डाल लिए हैं क्योंकि तिल का शगुन होता है। और ये मैं इसमें आलू के साथ इसको मांड रही हूँ, आलू के साथ गूथूंगी मैं इसको, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है चाय के साथ। चलिए मैं इसको बना के आपको दिखाती हूँ। और हाँ, इसमें हींग भी मैंने ऐड किया है। ये देखिए पूड़े हमने बना लिए हैं, मीनाक्षी ने बना लिए हैं, मन नहीं आता था। ये पूरी बना रही है मीनाक्षी, पूरी बन रही है अभी, फिर कचौरी बनाएंगे, उसके बाद मक्का की बनाएंगे हम कचौरियाँ। और इधर ये हमने ये देखिए रायता भी बना लिया हमने, इसमें सिर्फ जीरा और वो डलेगा हींग, जीरा हींग और थोड़ा सा हरा धनिया। ये देखिए पूरी हमारी बन गई है और कचौरी भी बन रही है। ये सारा हमने मटेरियल बना लिया, सॉरी मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, लेकिन कचौरी की रेसिपी मैंने मैंने पहले डाली हुई है कचौरी की रेसिपी, अगर आपको देखनी है तो मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ जा करके देख लेना। कचौरी बहुत टेस्टी बनती है, लहसुन प्याज वाली भी, लेकिन आज लहसुन प्याज का यूज़ नहीं होगा, तो आज ऐसे ही सिंपल बनाई है, मीनाक्षी बना रही है। हेलो बोलो, हेलो हेलो, फोकस कर रहा है, क्या कर रहे हो आप? गाड़ी पे बैठ रहा बाबू, कहाँ जा रहे हो गाड़ी पे बैठ के? बाबा पास। ये बाबू बाबा पास जा रहा है गाड़ी पे बैठ के। आपका नाम क्या, नाम बता दो सबको। मुदित शर्मा। और आपके पापा का नाम क्या है? आशु शर्मा। तो खाना बन चुका है हमारा, ऑलमोस्ट बन का तैयार है, सिर्फ मक्के की पूरियाँ बनानी है। वो मैं ऐसे ही लंबा सा उसको अच्छे तरह से फैला के उसको कट करके बना लेती हूँ। उसमें मीनाक्षी बनाएगी आज तो मीनाक्षी है। तो हमने कथा दोपहर में सुनी थी छत पे बैठ के, वो भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, अभी इतना एक्टिव नहीं हूँ मैं कि इतनी सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर पाऊँ, बट कोई नहीं, जितना रिकॉर्ड हुआ उतना मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसी तरह की वीडियोस आपको डेली देखने को मिलेंगी। चलिए बाकी का सब कुछ मैं बना लेती हूँ, उसके बाद बायना निकलेगा, हमारे यहाँ बायना निकलता है, शायद सभी के यहाँ निकलता होगा, किस किस के यहाँ कैसे होता है ज़रूर बताना, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए अभी मैं बनवा लेती हूँ, करवा देती हूँ सारा, फिर मिलती हूँ आपको बाद में। ये देखिए इस तरह से बनते हैं हमारे यहाँ पे संकट महाराज, ये यहाँ पर इनका मुंह है, ये हाथ है, ये पैर हैं, और ये इनका चप्पू दे दो ये देखिए संकट देवता बनाए हैं, ये हमने जोत जलाई है हल्दी से टीका करके, पूड़े के साथ जिमाते हैं हम। और ये बायने की थाली है, ये देखिए ये बायने की थाली है, जय करो यहाँ से जय करो। तो ये देखिए इस तरह से बायना निकालते हैं हमारे यहाँ पर, ये मैं भाभी को देख के आऊंगी, अपनी जिठानी को, ये वाला बगल वाला। ये देखिए हम बना रहे हैं मक्के की पूरियां, मैं इसी शेप में इनको काट रही हूँ तब बनाती हूँ, ये जल्दी बन जाती है। इसको बिठा दो, तीन ही तो है, इतनी तो जगह है उसमें। ये देखिए इस तरह से बन के तैयार होती हैं, चाय के साथ बहुत टेस्टी लगती हैं ये। ये देखिए इसी तरह से मैं बनाती हूँ इन्हें, आज तो मीनाक्षी बना रही है, तल रही है, लेकिन इसी तरह से बनाते हैं हम इन्हें।
हर साल मैं ये बनाती हूँ। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ। चांद निकलने का टाइम हो गया है, शायद चांद निकल भी चुका है, मैं व्रत खोल लूँगी। बस यहीं तक था हमारा सकट चौथ का व्रत, और इसी तरह से हम बनाते हैं हर साल, इसी तरह से बनाते हैं, एंजॉय करते हैं इस फेस्टिवल को। तो चलिए मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए। बाय बाय, हैप्पी सकट चौथ सभी को।